नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुर गुप्ता है। मैं बेसिकली कानपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं SS4 सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में एज ए GM HR हूँ। और मैं इस संस्थान से लगभग 5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और हर कंपनी में हर जगह उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे देश हमारा एक पैंडेमिक एरा से गुजर रहा है, तो इतनी बड़ी क्राइसिस होते हुए भी अब हमारी कंपनी हमारे पूरे एम्प्लॉयों का बेसिकली हमारा सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग का काम है। तो फील्ड से लेकर हमारे गरीब हाउसकीपरों का, गार्डों का, सबका ख्याल रख रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे चेयरपर्सन का साफ कहना था कि इस क्राइसिस से जूझते हुए भी हमें बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। और हमारे संस्थान में जितने बंदे काम कर रहे हैं, भले वो अपनी ड्यूटी पे ना आ पाएँ या उनको प्रॉब्लम होगी, तो किसी का भी कोई भी सैलरी नहीं डिडक्शन होगा। और बेसिकली वैसा किया भी गया अब तक हमारे संस्थान में। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि 95% सैलरी हमारी डिसबर्स हो चुकी है और फुल पेमेंट गई है फंड क्राइसिस से जूझते हुए भी। और हम लोग भी कहना चाहें तो एक तरह से कोरोना वॉरियर्स का ही काम कर रहे हैं। मैं ऑफिस में बैठा हूँ और हमारे गार्ड जो प्राइवेट संस्थानों में लगे हुए हैं अपनी ड्यूटी प्रॉपर कर रहे हैं, अपने घरों से निकलते हैं और शाम को अपने घरों पे जाते हैं। तो उनके घर वाले भी खैर चिंतित रहते ही हैं कि ऐसे पैंडेमिक एरा में काम करना थोड़ा सा हार्मफुल भी हो सकता है। लेकिन हमारी कंपनी की मैं बात करूँ तो हमारा मैनेजमेंट सबके साथ खड़ा हुआ है और हमारे चेयरपर्सन मिस्टर राकेश प्रताप सिंह जी सबको सबके साथ सहयोग करके बाकायदा सबको अच्छी सहूलतें दे रहे हैं। और मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि भले ही आप किसी प्राइवेट संस्थान से जुड़े हुए हों या सरकारी संस्थान से जुड़े हुए हों या अर्ध सरकारी संस्थान से जुड़े हुए हों, अपने टीम पे भरोसा रखिए, अपनी कंपनी पे भरोसा रखिए। आपकी सारी ज़रूरतें पूरी मैं होंगी, आपकी कंपनी कर रही होगी। लेकिन जहाँ कहीं जो लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हमें नहीं कुछ बचत हो रही है, हमारा काम नहीं चल रहा है, तो हम कुछ अपने एम्प्लॉयों को नहीं कर सकते हैं, तो मेरी उन सबसे गुजारिश है कि कृपया कर ऐसा ना सोचें। जब हमारा संस्थान कर सकता है तो आप लोग भी करिए। सबका योगदान होगा तभी हमारा देश तरक्की करेगा और हम सब तरक्की करेंगे। कुछ दिनों की बात है, बाकी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। नमस्कार, मैं SS4 सिक्योरिटी में ऑपरेशन हेड के पद पर, मेरा नाम है आर्यन राय। मैं विगत कई सालों से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा हूँ। मेरे डायरेक्टर ने पूरे मेरे घर, मेरे सब कुछ का उन्होंने ख्याल करते हुए वेतन पूरे मार्च तक का पूरा वेतन उन्होंने अपने पास से दिया, जबकि उनको वेतन और ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ भी हमारे सिक्योरिटी काम चल रही है वहाँ से न आने के बाद भी, और वो पूरा सहयोग इस बात की कर रहे हैं। ये अभी भी कोई भी दिक्कत आप लोगों को मैं नहीं आने दूंगा, इसके लिए वो पूरा प्रयास रत्न है। और उनके तरफ से हम लोगों को, हमारे सारे साथियों को ये उन्होंने निर्देश दिया है जे आप लोग बिल्कुल न घबराइए, ये महामारी आई है चली जाएगी, इसमें लेकिन का पूरा ख्याल रखिए आप लोग पूरे, और ऑर्गेनाइजेशन में भी आप लोग यही संदेश दीजिए, जिससे कि बहुत उपहार का काम होगा, बहुत महामारी में सहयोग देने का काम होगा। सारे ऑर्गेनाइजेशन अगर इस कार्य को पूर्ण रूप से इसी तरह से हम जैसे हमारे डायरेक्टर ने किया है, चाहे निजी कंपनी हो चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, सब अपने वर्कर को ऐसा ही प्रोत्साहन करें और सैलरी न काटें, उनको पूरी सैलरी देने का व्यवस्था। नमस्कार, मैं सुभाष गिरी SS4 सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में एरिया मैनेजर के रैंक पे हूँ। मैं अपने इस महामारी में अपने मालिक को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने हमारे पूरे स्टाफ का पूरा पेमेंट करा, उनका ख्याल रखा। बाकी मेरा देशवासियों में जितने भी फैक्ट्री के मालिक हैं, चाहे जो भी मॉल हो, जहाँ भी हमारे भाई लोग, मजदूर भाई काम करते हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है, एक मेरी प्रार्थना है कि उनका पेमेंट ना काटें, उनको घर परिवार चलाने के लिए पेमेंट दें, इस महामारी में भारत देश का साथ दें ताकि कोई दिक्कत किसी प्रकार की किसी को ना आए। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ इस लॉकडाउन के
दौरान आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित रहे होंगे। जैसा कि आप सब जो जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि सैलरी का क्या होगा, कैसे होगा, मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। काफ़ी लोग इस वजह से परेशान हैं, तो मैं आप लोग को एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं बेसिकली कानपुर से बिलोंग करता हूँ, SS4 सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने हमारे बारे में काफ़ी कुछ सोचा है, मुश्किल वक्त में भी हमारा साथ दिया है। इस लॉकडाउन के दौरान भी हमारी सैलरी फुल पेमेंट हम लोगों को मिल रही है। भले ही कंपनी काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन उन्होंने हमारे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचा है। तो मैं आप लोग से भी यही कहना चाहूँगा कि आप भी थोड़ा अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में अच्छा सोचें और कृपया करके उनको फुल पेमेंट करें, ताकि इस मुश्किल टाइम में भी वो अपनी फैमिली को पूरी तरह मैनेज कर सके। सो दैट्स ऑल, गुड आफ्टरनून फॉर दिस। हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग सेफ एंड सिक्योर अपने घरों में होंगे, और आशा करते हैं कि अभी शायद थोड़े बहुत दिन और आप लोगों को रहना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने को कि जिस कंपनी में अभी मैं काम कर रहा हूँ, SS4 सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसके चेयरपर्सन जो है मुस्कुरायेगा, उन्होंने ये मैसेज लॉकडाउन के समय में आ दिया था कि जितने भी हमारे यहाँ के स्टाफ हैं, उनको उनकी सहूलियत के लिए इस लॉकडाउन के समय, जो लोग ये सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आगे खर्चे कैसे चलेंगे, तो मुझे बड़ा खुशी हो रही है बताने में कि उन्होंने ये डिसीजन बहुत पहले ही, जिस दिन लॉकडाउन हुआ था पहले ही बहुत क्लियरली बोल दिया था मुझे, कहीं से कुछ कैसे भी हो, जैसे कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया है, ये उनके वर्ड्स, जैसे कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया है तो हम भी आपके साथ खड़े हैं सर, चाहे कुछ भी हो हमारा स्टाफ मेरे साथ में है तो हम बहुत आगे तक जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने सारे स्टाफों की जो भी उनका वेजेस बन रहा है, जरूरी नहीं है कि सबका वेजेस ज़्यादा ही होता है, कुछ हाई लेवल के स्टाफ हैं, लो लेवल के स्टाफ, लो लेवल को पूरा पेमेंट दिया गया है और जो हाई लेवल के हैं उन्होंने अपना खुद कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। तो हम आप सबसे अनुरोध करते हैं, जितने भी यहाँ के एम्प्लॉय वगैरह हैं, वो इनसे इंस्पायर होकर के अपना कंट्रीब्यूशन करें, अपने एम्प्लॉय के साथ खड़े हों, क्योंकि कल वही हमारे साथ में खड़े होंगे और एक बार फिर से हमारी जैसे कंपनियां चल रही थी, जैसे रनक हो रहा था काम, वैसे ही होगा और तभी फिर से एक बार हम लोग मुस्कुराएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ऐसा जरूर करेंगे, और प्लीज़ 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 सबके साथ शेयर कीजिए।